चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर भी लखनऊ से ही है। आज गोरखपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बूथ अध्यक्षों को जेपी नड्डा जीत का मंत्र देंगे। दोपहर 12 बजे गोरखपुर मंदिर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1 बजे चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, साथ में प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। तो आज गोरखपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। ज्यादा जानकारी के साथ शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, आज गोरखपुर आने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जीत का मंत्र देंगे, इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं? तो आज गोरखपुर आने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई कार्यक्रम हैं आज उनके साथ ही जो बूथ अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनको जीत का मंत्र देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ, लखनऊ ब्यूरो चीफ शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, गोरखपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र तो देंगे ही, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और कौन कौन कार्यक्रमों में शामिल होने वाला है, जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश के भवन पे है। आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। सबसे पहले वो मंदिर में जाएंगे, गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद 1 बजे चंपा देवी मार्ग पे जाएंगे और जहां गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे और तमाम जो पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं तमाम जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। 2022 के चुनाव कैसे लड़ना है, क्या रणनीति तय करनी है, तमाम बातों पर बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे आम लोगों को और उसके साथ आम कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। और लगातार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है और सबकी देखरेख भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और साथ में क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अमित शाह का भी दौरा लगता है, राजनाथ सिंह का भी लगा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का भी लगा है और कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। पूर्वांचल एक बड़ा 114 सीट पे आती है, 114 सीट पे किस तरह से जीता जाए इस पे एक मंत्र आज तैयार किया जाएगा। पूनम जी, शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।